ऊपर आ जाता है मस्जिद का मामला, यहाँ पे सारी नाली पूरी भरी जाती है, ऊपर ऊपर से मतलब निकाल के चले जाते हैं। दो तीन बार में जब करीब 15-20 दिन को हो गए, फोन करोगे या वहाँ रोड पे बैठते हैं ना, वहाँ से बुला के लाओगे जब तो आते हैं। यहाँ कोई सफाई करने नहीं आता 15-15 दिन, आपने देख लिया हाल क्या है। मगर बात यह है कि वोट देने का मामला है वोट केजरीवाल। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे नेताओं में घमासान चालू हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइव 18 में, मैं आपके साथ राज ठाकुर, और इस टाइम हम मौजूद है करावन नगर वार्ड नंबर 63 के अंदर। लोगों से जानेंगे पूछेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई को लेके और किसको वोट देंगे। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, पूछेंगे कि इस बार किस कौन सी सरकार को साफ सफाई वगैरह। हाँ, बढ़िया होती है इधर। किसको वोट देना चाहेंगे? जो काम करेगा उसे देंगे वोट, हमारे भाई मोनू भाई कुछ दुकान वाले उनसे जानते हैं। सर, किसको वोट देंगे इस बार? पापा जी डिसाइड करेंगे। पापा जी डिसाइड करेंगे ना जी, मेरा वोट यहाँ का नहीं है। देखो कुछ लोगों से हमने पूछा है कि वो जो काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा उनको वोट देंगे। आइए अंकल जी से पूछते हैं। अंकल जी, किसको वोट देंगे आप? साफ सफाई को लेके बताएंगे कि कौन सी सरकार आपके लिए बेस्ट? हमें तो झाड़ू वाले वोट देंगे। ऐसे मतलब क्यों, क्या काम कर रहे हैं? हर काम सही हो रहे हैं, उनके काम सही हो रहे हैं, सब काम बढ़िया हो रहे हैं। तो झाड़ू वाले हॉस्पिटल है, आपको मतलब हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी वगैरह सब सुविधाएं मिल रही है, पब्लिक गरीब आदमी को सब सुविधाएं मिल रही है। आप किसको वोट देंगे इस बार? इस बार भैया हमारी वोट नाम वोट नहीं है, लोगों ने बताया कि वोट नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। सर, किसको वोट देंगे इस बार? वोट किसी देखेंगे, मौका देखेंगे। आपको किसी को तो मौका होगा भैया, अभी सोच समझ के देंगे भैया, वोट खराब नहीं करेंगे, बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। हाँ। सर, आप किसको वोट देंगे? हाँ, किसको वोट देना चाहेंगे इस बार, कौन सी सरकार को? भैया ने जो काम करेगा हम तो उसके। अभी तक का आपके यहाँ जिस माहौल में? हाँ, वो केजरीवाल का बढ़िया काम है, केजरीवाल का बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम है, बेहतरीन काम है, जवाब दें। ठीक है, देखते हैं। और भी स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे, पूछेंगे कि काम को लेके और किसको वोट देंगे इस बार, कौन सी सरकार आना चाहिए दिल्ली में? सफाई बढ़िया होती है जी, मनोज त्यागी हमारे यहाँ के हैं, बढ़िया काम कराते हैं, बेहतरीन। हाँ, बराबर आते रहते हैं, जब चाहे हम जब बुला लेते हैं, और मुस्तकिल आते हैं, सबकी जानकारी में रहते हैं हर टाइम। हाँ, रात को 10-10 बजे तक भी कूड़े की गाड़ी आती है हमारे यहाँ, सफाई बढ़िया होती है। हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, मनोज त्यागी जी बहुत बढ़िया। जैसे आप देख सकते हैं कि मनोज त्यागी जी यहाँ पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं लोगों से बीच में, और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे से होती रहती है, इन्होंने बताया, सफाई कर्मचारी भी टाइम टू टाइम आते रहते हैं। आइए और भी लोगों से जानेंगे, पूछेंगे कि और क्या बोलना चाहेंगे लोग साफ सफाई को लेके। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, एक शॉपकीपर, इनसे पूछते हैं, सर यहाँ की साफ सफाई बताइए। साफ सफाई ठीक है, बढ़िया है साफ सफाई। नेता लोग यहाँ आते हैं आप लोगों के बीच में? नेता तो आते हैं, कभी कभी आते हैं, नेता भी आ जाते हैं। केजरीवाल नहीं, वो निगम पार्षद आते हैं, निगम पार्षद। साफ सफाई के जो कर्मचारी वो आते हैं टाइम टू टाइम? हाँ, टाइम के टाइम, इस वक्त तो टाइम के टाइम आ रहे हैं, कूड़ा भी उठ रहा है टाइम के टाइम, और साफ सफाई इस वक्त सही है। और वोट तो मतलब ये कि कांग्रेस को मन है हमारा, कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस ने अच्छे विकास किए हैं, काम बढ़िया किए हैं, वो मतलब ये कि जातिवादी की वो राजनीति नहीं करती है कांग्रेस, बढ़िया सरकार है, और वही चल नहीं, अच्छा काम होता है भाई, अच्छा काम करता है नेता भी, अच्छा कर रहा है काम, कोई परेशानी नहीं, एकदम गाड़ी भी आती है, कचरा भी लेके जाता है, सब कुछ करता है। हाँ, आते रहते हैं, कोई परेशानी नहीं। वोट तो केजरीवाल पर जाएगा जी, केजरीवाल पर जाएगा वोट। हाँ जी, केजरीवाल पर जाएगा वोट, केजरीवाल पर जाएगा। हम तो कांग्रेसी, कांग्रेस को देंगे कांग्रेस। अरे कांग्रेस ने इससे भी बढ़िया काम करे, अब देख ले रोडों की क्या हालत हो रही, रोड को बिल्कुल एक रुपया नहीं लगा रहा रोडों पे बीजेपी, और ये दोनों यूपी में उसने गंदमछा रखा और दिल्ली में इसने। हॉस्पिटलों की भी अब कोई तो अच्छी सुविधा नहीं, पहले थी, जब से कोरोना का वो चला अब धक्के खाते रहो लोग। केजरीवाल को जाएगा जी मारा, क्या काम अच्छा कर रहा है जो केजरीवाल को आप? हाँ जी, सारे काम बढ़िया कर रहा है जी, हमारे लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, सब चीज़ फ्री हमारे लिए। स्थानीय लोगों से पूछते हैं साफ सफाई के बारे में, और नेता जितने भी लोग आते हैं नहीं आते, सर बताइए। ऐसा है जो नाली जो है बुलाते हैं,
कभी कभार तो नाली साफ करने आते हैं, नाली भरी पड़ी सारी सारी। अब जो नाली सफाई करने वाला आप झाड़ू मारो तो कभी अपना आ जाए कभी ना मैं पे कब्र का जब जाकर आंटी से जानते बताइए आंटी। दो महीना में अब आए थे बुलाने गए थे जब आए थे वो, और वो बेचारो नंबर भी देगा कह रहा हूँ आंटी आपको कोई परेशानी हुए तो तुम बता दियो मुझे फोन करके। नेताजी तो कभी नहीं आए, जब आई जब वोट पड़े थे जब ही आए थे। और पानी का बिल हमारा ना चले ना कुछ, हमारा समर लग रहा हो, हम समर चलाते हैं और पानी को बिल आगो 16,500। हाँ बिल दिखा दियो, पानी पीने का एक आधी कैन भरो जाता, अब सर्दी है तो अब तो भरो ही नहीं जाता। और 16,500 आ गो पानी को बिल। साफ सफाई में वो तो आती है, झाड़ू वाली तो आती है। कब नहीं भैया जब वोट पड़े हुए जब वही आए हुए हैं, कब नहीं आए देखने ही नहीं आए कब। हाँ पानी को बिल्कुल आने वो कौन है वो खजूरी में बैठा था वो क्या वो भी वो के टाइम कितने चक्कर काट गए, एप्लीकेशन लगाओ जो लगाओ सब कुछ कर यार कछु नहीं। 16,000 देखो भैया मीटर अगर कोई दिल्ली जल बोर्ड का कोई स्पेसिफिक मीटर है तो हम वो लगवा लें, लेकिन अब हमें जो मार्केट में मिलता है तो वो लगवाते हैं। अभी 16,500 रुपये का बिल आ रहा है, पानी सिर्फ पीने का भरा जाता है हमारे यहाँ। और मेरी ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, मतलब इवन सब मेरे अड़ोसी पड़ोसी सभी लोगों की है। और यहाँ तक कि कल जो बिल लेने आए थे, कल ही आए थे रीडिंग लेने, उनसे बात की तो वो कह रहे आपके मोहल्ले में ये शिकायत है ही है। अब बताओ 16,000 रुपए का पानी का बिल भरेंगे तो बताओ फिर फायदा क्या हुआ, क्या क्या फ्री दे रहे हैं। आता है बाकी तो नॉर्मल पानी यूज होता है पानी, ये पूछ लीजिए चाहे किसी से भी, 15,000 रुपए का बिल है। हाँ इसकी शिकायत भी हमने की थी, मतलब बॉबी साहब से भी के पास गए थे, उन्होंने बोला कि लेटर लिख के दे दीजिए, वहाँ पे जाएंगे तो जल बोर्ड के पास जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं ये तो आपको भरना ही पड़ेगा और इस लेटर से कुछ नहीं होने वाला। और देखिए दूसरा 16,176 रुपए का है, मतलब इवन चाहे वो ऐड हो रहा हो जो भी है, लेकिन 16,000 रुपए 14,000 रुपए ये 16,074 रुपए इतना तो पानी भी यूज़ नहीं हो रहा भाई। और ये मेरी नहीं, अगर आप कॉमन शिकायत है अगर आप किसी से पता करेंगे तो, झाड़ू रखती है और नाली वाली साफ़ नहीं होती, इवन बुला बुला के लाओ तो कोई आ जाए तो ठीक है वो थोड़ा इधर करा और उसके बाद में चले जाते हैं।